जन प्रतिरोध के स्वर। झारखंड रांची में कई जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इंसाफ द्वारा झारखंड में वर्तमान विकास, विस्थापन और दमन पर स्वतंत्र जन पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें जूरी सदस्य जस्टिस सच्चर, वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी, सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय पारिक, वृंदा ग्रोवर, मिहिर देसाई और डॉक्टर अरिजिता दत्ता मंच पर मौजूद रहे और आदिवासी मूलवासियों ने अपने बयान दर्ज कराए। जब तक हमारे जो आंदोलनकारी को जो जेल में रखा गया है उनको जब तक बिना शर्त रिहा नहीं करता है, ये गलत मुकदमा में जो फंसा करके उग्रवादी माओवादी करके कह रहे हैं और इसमें उलझा करके रखना और इसको गलत तरीका से फंसा करके जेल में डालना, ये जनता के लिए एकदम ये बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए जनता ने अपना गांव में जनता कर्फ्यू लगा के रखा है। जब तक इन लोगों को रिहा नहीं करता है तब तक जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। जहाँ तक मुझे समझ में आई है वहाँ तक इस बात को आई है कि जमीन दखल करने के सिस्टम पर, वन नीति पर, ये सारी बात आई है और इस तरह पर इस समस्याओं पर वो लोग बातचीत किए हैं। अब अभी तो ऐसा स्थिति है, कहीं कहीं राजनीतिक दबाव भी है सर। पहली तरीका तो ये है, जो जमीन बेचा गया है उसको पहले खरीदा। दूसरी तरीका ये निकाला कि जो पावर ऑफ इकोनॉमी लेके कुछ दलालों के माध्यम से कुछ लोगों का ज़मीन खरीद करके उसको ट्रांसफ़र कराया अपनी कंपनी के नाम से, और एक तरह का ज़मीन है जिनकी कोई वारिस नहीं है, वो 20-30 साल पहले मर चुका है, वो ज़मीन परती पड़ा हुआ है, वो ज़मीन को फिर से वो मुर्दा को जिंदा करके किसी व्यक्ति का नाम ठिपा साइन करवा के उस ज़मीन को अपना रजिस्ट्री करवाया। और प्रस्तावित अभी जो तत्काल झारखंड के बनने के बाद जो कब्जे आ रहे हैं तो उसमें बड़े पैमाने पर विस्थापन होने वाला है और इसी के खिलाफ में लगातार वहाँ संघर्ष जारी है। वहाँ का लोगों का, खास करके वो इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी बहुल इलाका होने के चलते वहाँ का आदिवासियों का मानना है कि हमारा जो जीने का आधार है जमीन, हमारा जो खनिज संपदा है उसको किसी भी कीमत में हम नहीं देंगे और छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा जीने का आधार है जल, जंगल, जमीन, और इसको कोई लेने का किसी का अधिकार नहीं, और ज़मीन हम लोग एक इंच भी देने के लिए तैयार नहीं है। कि क्या करेंगे अगर यहाँ का ज़मीन ही अगर हम लोग का कंपनी ले लेगा, जिसको मिट्टी को हम लोग माँ मानते हैं, माँ जिससे अपना बच्चा को लालन पालन करते हैं, ये मिट्टी हम लोग को पालते हैं, इसमें हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हमको खाने के लिए अनाज देगा। अगर ये ज़मीन हम लोग के हाथ से चला जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इसीलिए इतना चिंतित में रहा है कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तब हम लोग से बताया कि हम लोग को अभी एकजुट होकर के इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना होगा कि हम लोगों को ज़मीन किसी भी हाल में नहीं देना है, क्योंकि ज़मीन ही हमारी सब कुछ है। ज़मीन जब तक रहेगी तब तक हम अपना गुजर बसर कर पाएंगे। ज़मीन हमारे हाथ से अगर निकल जाएगी तो मछली जैसा पानी बिना तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह हम लोग को भी तड़प तड़प के मर जाना पड़ेगा। सरकार ने 60 साल में हम लोग को कुछ नहीं दिया, लेकिन अभी बोल रहा है कि कंपनी मार्फत सब कुछ देंगे, ये बहुत ही बड़ा अन्याय है हम लोग के साथ में, इसको हम लोग पूरा जोर विरोध करते हैं। ये तो उन्हें तो कुछ कर के दिया अस्पताल से अलग आप लोग लहा चला कर तब सीधे कन मला हर लगे बोले अब लहा चला रहा है। अब हॉस्टल है मेरा काठीगुड़ा स्कूल उनके अब सिविल को लहा होकर हैं अब उनके सिविल को गोली की दिखाने रोड रखी थी क्या तो उन्हें रखा पिल के चला होना सड़क पर बोले तीरो चौके लगे तब चौके का ही उनको तुली का ही उनको इंगुन ना उन दुखों के गुड़ी इंदु पड़ा। और अभिजीत ग्रुप ऑफ कंपनी, जो अभिजीत ग्रुप ऑफ कंपनी कर्णपुरा में तीन जगह पर है, एक है सीसा वृंदा कोल ब्लॉक और वहां पर प्लांट भी उनका है, मिनी पावर प्लांट है, और लातेहार में चितरपुर कोल ब्लॉक वो अभिजीत ग्रुप को है, वहां एनटीपीसी की 5 प्रोजेक्ट है नॉर्थ कर्णपुरा में। एक एनटीपीसी मेगा थर्मल पावर है जिसको माननीय जो अभी हमारे वाजपेयी साहब बीमार भी हैं उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था,
और आज 9 साल हो गया उद्घाटन हुए हुए और अभी तक लगा नहीं है और वहां पर अभी लोगों को बड़े धोखे से जमीन दी जा रही है। तो वो एनटीपीसी का 5 प्रोजेक्ट पंखरी बरवाड़ी एक कोयल माइंस है, जेबीके कंपनी है, भूषण और जिंदल जिसकी चर्चा सुबह से सुन रहे थे हम, वो हमारे एरिया में भी कोयला खनन के लिए पहुंची है। तक बात है कि रेडिएशन का जहां तक सवाल है तो देखिए अभी वहां नया परियोजना है तो इसलिए अभी रेडिएशन का असर धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि ब्लेड से हम लोग करते हैं तो तुरंत उसका असर पड़ता है कि हम लोग ब्लेड से कटे और तुरंत हमारा खून निकले, लेकिन इसका असर जो है धीरे धीरे पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुरामडी क्षेत्र का स्थिति जो है जादूगोड़ा से भी काफ़ी भयानक हो गया। आप वहाँ का मैप देखेंगे और यहाँ का मैप देखेंगे तो उसका टाउनशिप एरिया कहाँ है और उसका ओपन माइंस कहाँ, उसका टेलिंग पॉइंट कहाँ है, उसका अंडरग्राउंड माइंस कहाँ है और उनके कितने नज़दीक में गांव हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में तो है कि जहाँ टेलिंग पॉइंट बनेगी उसका 5 किलोमीटर रेडियस एरिया पर कोई आबादी नहीं होना चाहिए, कोई घर नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर टेलिंग पॉइंट से सटा हुआ गाँव। जब हम यही बात उनसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से तो कहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सोचे कि ये लोग हम लोग को ज़मीन छीनने के लिए आया मित्तल कंपनी को बैठाने के लिए, मित्तल कंपनी बैठेगी तो हम लोग बेघर हो जाएंगे, बेजमीन हो जाएगा हम लोग का। तब हम लोग तुरंत जुटे, तब जुटने के बाद में 14-15 हज़ार की संख्या दिखाए और वो लोग हम लोग का संख्या देख के वो लोग बहुत तुरंत खाली कर दिया वहाँ अपना सभागार को। वो कहता है विकास, तो क्या विकास करेगी? वैसा विकास हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग जमीन बेच के विकास नहीं चाहते हैं। हम लोग को चाहिए विकास होना चाहिए तो हम लोग को खेती युग में हम लोग के लिए पानी का व्यवस्था करे, सस्ते दर पर तेल देवे हैं, उससे हम लोग अपना खेती उपजाव करेंगे, उसी से हम लोग भरण पोषण करेंगे, उसी से हम लोग अपना आर्थिक व्यवस्था बना लेंगे। कंपनी वो कहती है कि मैं पूरी तरह से खुली किताब की तरह हूँ, वो कहता है कि मैं इतना गांव 30 गांव नहीं उजाड़ूंगा 15-16 गांव उजाड़ूंगा। लेकिन यहाँ आप तमाम साथी सुन, जूरी की टीम सुन रही है कि कर्रा ब्लॉक के साथी उनके बीच में 2005 से उधम मचाया हुआ है। कर्रा गुमला जिला के कमरा ब्लॉक में वही चीजें चल रही हैं। आप तो ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तमाम चीजें जो चल रही है कंपनी के तरफ से बिल्कुल पब्लिक को गुमराह कर रही है। और एक मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आरआर पॉलिसी की बात मैंने हो रही है, गवर्नमेंट और कंपनी के लोग आरआर पॉलिसी की प्रतियां वो लोग लहरा के घूम रहे हैं। आप आरआर पॉलिसी की प्रति हम लोग सबसे पहले झारखंड में हम लोग निकाले और हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी किए और वो जो आरआर पॉलिसी में जो कहा गया है पूरी तरह से यहाँ के किसानों को सिर्फ स्लो पॉइजन देने की व्यवस्था की गई है। और उसमें मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ जिसमें हमारे जो खूंटी के एमपी हैं सुशीला केरकेटा या तो यहाँ जो कंपनी के लोग हैं सारे लोग कह रहे हैं कि हम आपको रिहेबिलिटेशन का पैकेज देंगे, ये देंगे वो देंगे। और यहाँ पर उसी आरआर पॉलिसी में कहा गया है आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी है वो 30% जमीन सरकार उसको एक्वायर करके कंपनी को देगी और 70% जमीन होगा वो कंपनी सीधे किसानों से खरीदेगी। और यहाँ पर जो जम किसान झारखंड का जो भूअर्जन विभाग करता है और उद्योग विभाग के जो सचिव जो के खंडेलवाल थे और भूअर्जन विभाग के जो टीएस प्रसाद थे उनका स्पष्ट इस ये स्टेटमेंट है कि वो जमीन जिसको कंपनी वाले सीधे किसानों के हाथ से कर देंगे उसमें किसी तरह का आरआर पॉलिसी लागू नहीं होगा। और यहाँ पर सारे सरकारी अधिकारी एमपी एमएलए सारे लोग वो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं और इस तरह से धोखा देने का काम सरकारी अधिकारी भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं और कंपनी के लोग भी कर रहे हैं। पहले विस्थापित हुए हैं वैसे लोगों ने हमारे सामने अपनी बातें रखी और ये जाहिर किया कि 2-3 चीज़ें, एक तो जो ज़मीनें ली जा रही हैं वो बहुत ही एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत फर्टाइल लैंड है और बोल रहे हैं कि ये फर्टाइल लैंड नहीं है, बैरन है करके, लेकिन ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, वहाँ उपज बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात कि उनका जो खास करके आदिवासी लोगों का जो लगाव है ज़मीन से, उस जगह से, उस पर्यावरण से, वो लगाव इतना है कि वो बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं जहाँ हैं, तो हम ये ज़मीन देंगे नहीं, कितने भी पैसे देंगे, कितने भी रुपए देंगे,
So in the long run, probably the particular socio-economic context of Jharkhand will decide that what will happen and what will be the result. If the government thinks positively and the government acts and monitors the entire policy makings, that will be the best for these people. Jal jangal jameen hamara hai.